वेल देखो यार दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है गेम को दोस्तों अपने बीजीएमआई को इंडिया में फिर से रिलॉन्च हुए हुए ऑलमोस्ट एक वीक से ज्यादा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और गेम के अंदर ना अपने को कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि गेम के अंदर से आप लोग की काफी सारी इन्वेंट्री भी दोस्तों जो बीजीएमआई ने इस बार गायब कर दिया है। इसके अलावा आप लोग को गेम के अंदर कोई नया मोड भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर ऑफिशियल का रिप्लाई आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो मिसिंग आइटम में उस पर इन्होंने क्या कहा है, साथ ही इससे इसके अलावा और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है बीजीएमआई के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, लाइक वाले बटन को तोड़ दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को अभी करंटली कितने का पिंग आ रहा है गेम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऊपर में देख पा रहे हो कि बैटल ग्राउंड्स ऑल इंडिया की ऑफिशियल सपोर्ट टीम से मेरे को एक मैसेज आया है। जी हां, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेसी इन्होंने डिटेल मांगा था, तो माय डिटेल्स फॉर मिसिंग आइटम आप लोग देख पा रहे हो कि देजलिंग गेस सेट है, एंड यहाँ पे डेट वगैरह सारा डिटेल वगैरह हमने यहाँ पे दिया हुआ, यूसी वगैरह कितने में निकला था। तो ये बोलते हैं कि हाय प्लेयर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक टू अस, वी आर सॉरी टू नो यू दैट यू आर मिसिंग देजलिंग गेस सेट, वी थैंक यू फॉर आप लोग देख पा रहे हो सेंडिंग द डिटेल्स, वी हैव फॉरवर्डेड योर कंसर्न टू अवर इंटरनल टीम एंड दे आर लुकिंग इन टू, एंड वंस वी हैव अपडेट फ्रॉम देम वी विल नोटिफाई यू, वी विल ग्रेटली appreciate your patient and kind upload the kind understanding till टीम रिजॉल्व द इशू। जी हाँ, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इनकी जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है, जो मिसिंग आइटम वगैरह जैसे कि देजलिंग गेस सेट है ये गेम के अंदर से इन्होंने इन्वेंट्री में डाला ही नहीं है, तो इनका ये रिप्लाई है। इसके अलावा आप में से काफी सारे लोग न्यू मोड के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो इनका भी रिप्लाई आ चुका है ऑफिशियल क्राफ्टन की तरफ से, देख पा रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं कि वी अपोलोजाइज फॉर द डीले इन रिस्पॉन्स, वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न रिगार्डिंग द न्यू मोड्स। जी हाँ, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द न्यू मोड्स विल बी एडेड इन द फ्यूचर। जी हाँ, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी पेशेंट एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स रिलेटेड टू द गेम। आप लोग देख पा रहे हो कि प्लीज स्टे ट्यून फॉर द ब्लो मेंशन ऑफिशियल सोर्सेज। तो इनका बोलना है कि भाई आप लोगों का जो गेम के अंदर नया मोड है ना, वो यहाँ पे फ्यूचर में ऐड कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ये लोग नहीं बोलते कि गेम के अंदर कोई मोड ही नहीं आएगा। जी हाँ, तो आप में से काफ़ी सारे लोग मोड के बारे में पूछ रहे थे, कंसर्न थे कि भाई मोड के बारे में कुछ तो अपडेट दो, कब आएगा, क्या आएगा, क्या रिलीज डेट है। तो भाई देखो, क्राफ्टन ने खुद बोला है कि ये लोग मोड को ऐड कर देंगे फ्यूचर में। अभी फ्यूचर दोस्तों कब आएगा मुझे सच में ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता है। हालांकि आप लोग का जो फर्स्ट जो आप लोग का सेकंड आप लोग का जो एनिवर्सरी है बीजीएमआई का वो क्लोज है। जी हाँ, आपको पता है जुलाई बहुत ज़्यादा क्लोज है, जुलाई के मंथ में आपका सेकंड एनिवर्सरी आता है, तो उस टाइम पे कोई एनिवर्सरी मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बात करेंगे प्रीमियम क्रेट के बारे में, तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो क्रेट है ना वो 18 दिन के बाद एंड होने वाला है। एंड अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रीमियम क्रेट आया ना, कुछ खासा नहीं आया इसके अंदर, रिवॉर्ड बेकार बेकार से आइटम दे दिए गए। और भाई ये जो 18 दिन के बाद एंड होने वाला है, इसके बाद जो अगला दोस्तों प्रीमियम क्रेट आने वाला है, इसका भी अभी तक कोई भी अपने पास अपडेट नहीं कि भाई ये लोग क्या क्रेट्स वगैरह डालने वाले हैं। एंड अभी मैं आपको ना बीजीएमआई की कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, जो कि भाई ना एक तरीके से इन्होंने हलवा कर दिया क्रेट्स के अंदर। एंड आप लोग भी देखोगे ना, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो क्लासिक क्रेट के अंदर हम लोग आ गए, आप लोग देखो ये वाला आउटफिट देखो, एंड ये इसका हेड गियर देखो। जी हां, और अभी मैं आपको इसको इन्वेंटरी में लेके चलता हूं। एक बार दोस्तों इन्होंने गेम के अंदर इवेंट के दौरान, जी हां इवेंट के दौरान दोस्तों ये वाला आउटफिट दे के रखा, और आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ये वाला आउटफिट होगा भी। एंड दोस्तों उस आउटफिट को इन्होंने फिर से क्लासिक क्रेट के अंदर डाल दिया। जी हाँ, इसका हेडगियर भी मेरे पास अवेलेबल है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास, मैक्सिमम टाइम लोगों के पास होगा जब गेम बैन था, तो जो भी आप लोगों ने खेला होगा या गेम बैन जो हुआ था तो उसके बाद जो इवेंट्स वगैरह आए थे शायद उसी में ये वाला अपने को आउटफिट मिला था। और दोस्तों आप लोग इसको देख पा रहे हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको और भी कुछ रिवॉर्ड दिखाऊं, तो यहां पे आप लोगों को एक ना M24 का अपग्रेडेबल गन का स्किन मिलता है। जी हाँ, तो ये जो स्किन है ना पूरा बैन पीरियड के दौरान अपने को क्लासिक क्रेट के अंदर देखने के लिए मिला, एंड इन्होंने फिर से वही दोस्तों जो गन का स्किन है वही उठा के डाल दिया। जी हाँ, इनको M4 ग्लेशियर डालना चाहिए, कोई और अपग्रेडेबल गन का स्किन डालना चाहिए, नहीं भाई इनको नहीं डालना है, इनको तो भाई अपनी ऑडियंस के साथ खेलना है। तो यहाँ पे इन्होंने भाई नहीं डाला, भाई सेम चीज़ें सेम रिवॉर्ड को चिपका दिया है। तो एक तरीके से भाई जो अपना गेम था ना, जो गेम बैन के टाइम पे जो आइटम था एक तरीके से पूरी तरीके से फ्री था, अभी तो ये लोग गेम के अंदर यूसी से रिलेटेड चीज़ें भी डाल रही कि भाई आप यूसी भी खर्चो गेम के अंदर। एंड उस टाइम पे क्या था ना, गेम के अंदर यूसी ऐड हो रहा था ना, यूसी आप कहीं लगा सकते थे। जी हाँ,
तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा आता है भाई देखने के बाद कि कुछ अच्छा आइटम रिवॉर्ड्स वगैरह आ ही नहीं रहा। और इसके अलावा जो आपका न्यू सीजन है वो इतना लंबा खींचेगा, 21 अगस्त तक ये लोग टालने वाले हैं। जी हाँ, न्यू सीजन को आप लोगों के, जी हाँ। तो ये भी देखकर यार मैं क्या ही बोलूं, मतलब क्राफ्टन क्या प्लान कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एंड भाई इससे अच्छा तो भाई जो अपना BGMI था एक तरीके से पूरी तरीके से फ्री टू यूज था, हम लोग गेम पीरियड के दौरान जो खेल रहे थे मतलब बैन पीरियड के दौरान। तो आपका क्या बोलना है BGMI के बारे में मुझे कॉमेंट करके बताना। जो रिप्लाई वगैरह था ऑफिशियल का मैंने आपको दिखा दिया है। और भाई अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही है गेम को खेलने में तो मुझे कॉमेंट करके बताना। और अगर आपको कोई चेंजेस भी दिख रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।